जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों आज एक शख्स का वीडियो मेरे पास आया विद द रिमार्क, ये शख्स जो है इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा क्योंकि 17 तारीख को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक्स ग्रुप का जो टेबल नंबर 7-8 के बारे में जो केस किया था, जो आईएसएम के साथ इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो डाला था हमारे कुछ एयर वेटरन्स ने, वो डिसमिस हो गया था। इसके बारे में एक नहीं दो दो वीडियो बनाया, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, 17 तारीख को दोपहर को। और हमारे कपिल भाई ने जो है कल ही उसको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को डाल दिया अपने चैनल पे भी, और 3000 से लेके 6000 लोगों तक जो है इस वीडियो को देखा। और ये शख्स अभी वीडियो डाल रहा है जो कल रात बना के फिर एडिटिंग वगैरह करके आज डाल रहा है, कहता है कि जो जंतर मंतर पे बैठे हैं फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के जो लोग कपिल और सुबेदार अर्जुन सिंह राठौर साहब, ये लोग करते आ रहे हैं, ये किसी ने इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया, ना उन्होंने किया ना उनके उनके जो है सपोर्टर्स ने किया। मैं जानता हूं किसको वो इशारा कर रहा है, लेकिन ये तो अकल का अंधा है ना, इसको तो ये जानता है, ये दोनों वीडियो इसने भी देखा होगा, लेकिन इसका काम यही है कि लोगों को गुमराह करके किसी ना किसी तरह जो है हमारे जॉइंट एक्शन कमिटी यानी कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का जो है इसको खराब करने का। इस शख्स का नाम है दीवान सिंह। दीवान सिंह जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले कोई भी वीडियो डालने से पहले यह देखना कि कोई और वीडियो किसी ने डाला कि नहीं डाला। 17 तारीख का जो आप मेरे वीडियो उठा के देखो या नहीं तो कपिल का वीडियो भी देखो, हमने जो मेजर जनरल सतबीर सिंह के बारे में हमने क्या कहा, हमने तो ओपनली बोला अपने आप को जो एक्स सर्विसमैन का मसीहा समझने वाला जो शख्स है उसी की वजह से यह केस डिसमिस हुआ। परसों का वीडियो आप देखो, ऐसे बिना मतलब किसी के ऊपर उंगली उठाना बंद करो, आप अपना काम करो, हमें अपने काम करने दो, बिना मतलब जो है बिना मतलब टांग मत अड़ाना। आपको किसी ने हक दिया कि मतलब हमने कौन सा मतलब वीडियो निकाला कौन सा नहीं निकाला? सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि किसने वीडियो निकाला है, और 18 तारीख को फिर वो सेम वीडियो जो है कपिल का चैनल में कैसे फिर आया और कितने लोगों ने देखा। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग है ना बीच में आके ऐसे करते हैं। और दूसरा एक और वीडियो मैंने मेरे पास आया है, वो भी कल किसी ने ऐसे डाला है, मेजर जनरल सतबीर सिंह का एक पुराना कमेंट डाल के, जिसमें वो कहता कि पहले विडोज पेंशन, फिर बाद में फैमिली पेंशन, फिर जेसीओ जवानों का पेंशन, फिर ऑफिसर्स पेंशन, ये हमारा उद्देश्य है, हमारा मुद्दा है। हाँ हम उन दिनों में हम सोच रहे थे कि मतलब ये देने की बात कर रहा है, हमें ये नहीं पता था कि खत्म करने की बात कह रहा है, यानी कि पहले हम विधवा पेंशन खत्म करेंगे, फिर वीर नारियों का पेंशन खत्म करेंगे, फिर जेसीओ जवानों का पेंशन खत्म करेंगे, क्योंकि ये ओआरओपी 1 में किसको क्या फायदा मिला, ये बता रहा ना कि विडोज पेंशन यानी कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, जो शहीद परिवार का जो पेंशन है उसको तो खत्म कर दिया, 2-2.5 साल सर्विस वालों को क्या मिला है, और एक अफसर को कितना मिला परसेंटेज के हिसाब से खुद ही देख लो।
दोस्तों अभी ऐसा है ना, ओआरओपी 2 में जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर का माइनस में जा रहा, इसके पास फुर्सत नहीं है ना इन सब सारे चीज के बारे में देखने के लिए, ना इसके पास टाइम है, ना इनके जो ग्रुप कैप्टन गांधी का नाम 2 दिन पहले किसी ने लिया था, और एक क्या नाम है उसका, लेफ्टिनेंट पांडे को एक हमारे कार्पोरल साहब ने कैप्टन बना दिया। वेरी गुड कार्पोरल साहब, आपने एक लेफ्टिनेंट को कैप्टन बनाया, वेरी गुड वेरी गुड। आपके हाथ में पावर है, सब कुछ दे सकते हो आप। चलो इसी खुशी में मैं भी आपको एमडब्ल्यू बना देता हूं। क्या आपको एमडब्ल्यू का पेमेंट मिलेगा, पेंशन मिलेगा? ऐसे मतलब जब अपने साथियों का जिसके साथ इतने मतलब तकरीबन 7 साल से जो साथ में बैठते हो उनका रैंक तक पता नहीं आपको, और जो अंदर जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी या हरियाणा के जो वेटरन्स, यूपी वेटरन्स, उत्तराखंड वेटरन्स, राजस्थान वेटरन्स, इनके बारे में आप जो कह रहे थे ना स्टार, वो ठीक नहीं था, क्योंकि कोई पैसा चोरी, पैसे के मामले में जो है ना किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये वो थोड़ी है कि जो मतलब गुड़गांव में जिनका केस चल रहा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, ये ज्यादा है ना उछलना ठीक नहीं है। हम कुछ चीज है इसीलिए नहीं डालते हैं क्योंकि अपने ही लोगों के बारे में अपने ही लोगों को जो है नीचे नहीं गिराना चाहते, नीचे नहीं दिखाना चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अकलमंद और हम बेवकूफ। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, एक मेजर जनरल और एक लेफ्टिनेंट जनरल के बीच में है, ये भी जानता हूं मैं, ये भी अभी कोर्ट में केस है। आपको कितने पैसे चाहिए? आपको एग्जांपल, वहां जो भी लोग बैठते हैं ना सब अपने अपने मर्जी से अपने कच्चे पे आते हैं। यहां तक कि कल मणिपुर से लोग आए हुए थे, अगले महीने चेन्नई से हम लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु से, केरला से आ रहे हैं, आंध्रा से, कर्नाटका, कहां कहां से नहीं आ रहे वहां पे। आप कहते कि 5 से 7 ही बैठ के वो कर रहा। कापल साहब, मैं आपके साथ 1-2 दिन नहीं 45 दिन बैठा था 2015 में, आपको नस नस जानता हूं। एक हमारे नायक साहब सदाजी, वो कह रहे हैं कि मतलब वो उनका जो है जनरल साहब जो है मसीह का, कल नहीं देखा आपने 17 तारीख को क्या हुआ? एक्स ग्रुप का जो है टेबल नंबर 7-8 मांग पत्र में तो वो है, लेकिन कोर्ट में उन्होंने साफ बोल दिया इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर परमिशन दे दिया होता ये वो केस भी सामने आता। हार जीत तो बात में, बात की बात। दोस्तों इन लोगों को पहचानो आप, कौन जेसीओ जवान के साथ है, कौन जेसीओ जवान के अगेंस्ट में है। और ये एक शख्स यही बता रहा है कि मतलब वहां कोई वॉर्स नहीं है, सारे जेसीओ है। किसने बोला? एक आप कार्पोरल है तो मैं भी कार्पोरल हूं। वहां कितने सिपाही चाहिए, कितने नायक चाहिए, कितने हवलदार चाहिए? कभी जाकर देखा? आप कहते कि वन रैंक वन पेंशन मेजर जनरल सतबीर सिंह की वजह से मिला, नहीं, मेजर जनरल सतबीर सिंह की वजह से एक तरह का जो है जागरूक पैदा हुआ, जैसे वो जवान अपने हक जानने लगे। ये वन रैंक वन पेंशन वन जो है ना मेजर जनरल सतबीर सिंह ने दिलाया, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, ये मतलब मजबूरी था सुप्रीम कोर्ट के दबाव और इलेक्शन के दबाव में जो है हम लोगों को ओआरओपी के नाम पे कुछ वन टाइम इंक्रीमेंट हमें मिला है। और असली ओआरओपी का मतलब, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ओआरओपी का मतलब ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन, और जवानों के लिए
इसको मैं बोलता हूं वन टाइम इंक्रीमेंट, OTI। आप किसको पढ़ा रहे हो जो आपके साथ बैठ के इतने दिन 2015 में जो देखा है ना, हम विधवा पेंशन के बारे में सोचते हैं। विधवा पेंशन के बारे में क्या सोचा आपने? दोस्तों ऐसे है ना, कुछ कीड़े लोग निकल जाते हैं, उनके साथ मिले हुए कुछ रिपोर्टर्स भी है जो अपने आप को जर्नलिस्ट बोल के हमारे बीच में घूमते हैं। इनका मेन उद्देश्य यह है कि किसी ना किसी तरह हमारे जो है एकता को तोड़ना, बस और कुछ नहीं है। दोस्तों अभी तो खेल शुरू हुआ, अभी तो ट्रेलर भी नहीं हुआ, अभी तो वन रैंक वन पेंशन बाकी है, डिसेबिलिटी पेंशन बाकी है, ECHS, CSD कैंटीन, फिर उसके बाद नौकरी, फिर DGR, क्या क्या रह गया। 65 साल तक एक अफसर नौकरी करता है और जवान जो है 40-42 साल में उसको घर भगाते हैं। सारे चीज, सारे मुद्दा आएगा। दोस्तों मैं आज वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जैसे मैंने ये नायब सूबेदार का जो है वीडियो देखा, मैं सोचा कि इसका तो दिमाग खराब हो गया, ये नाम दूसरों का वीडियो देखता है या नहीं देखता इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन मिस्टर दीवान सिंह आप जरा का 17 तारीख को दोपहर को जो मैंने वीडियो डाला है वो वीडियो देखो, इंग्लिश और हिंदी में, और कपिल ने सेम वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों वीडियो जो है अपने चैनल पे भी डाला है, पहले उसको देखो फिर उसके बाद अपना गलती का एहसास करो। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद, फौजी एकता जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम।